शासन के सरकारी स्कूलों में हो रही लापरवाही के बाद अब प्राइवेट स्कूल भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हाल ही में टाइम्स टुडे इंडिया ने जवाहर टेकरी स्थित शासकीय स्कूल में मासूमों के साथ हो रहे खिलवाड़ को उजागर किया था। इसके बाद शुक्रवार को नंदा नगर स्थित मैरियट हाई स्कूल के हजारों छात्र सड़क पर उतर आए हैं और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुबह से दोपहर तक चले इस हंगामे के दौरान स्कूल प्रबंधन ने पहले तो छात्रों को डरा धमका कर भगाना शुरू कर दिया, लेकिन जब मामले की जानकारी जनप्रतिनिधि को मिली तो वहां मौके पर पहुंचे और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे व आक्रोशित छात्रों की शिकायतों को सुन उनको शांत किया गया। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सड़क पर उतरे हजारों छात्रों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन हमारे साथ आए दिन मारपीट करता है, स्कूल में किसी भी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहां तक कि स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल के सामने सरकारी जमीन पर साइकिलें खड़ी करवाई जाती है और अवैध रूप से पैसों की वसूली की जा रही है, जबकि इस जमीन पर सरकारी बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है अवैधानिक रूप से कब्जा करने पर धारा 353 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअली में बहुत काफ़ी समय से शिकायत आ रही थी कि कमरों में बैठने की जगह नहीं रहती है, बच्चों को खड़ी स्केल मारी जाती है, अत्याचार किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक सरकारी मैदान है, वहाँ पे एक 3 रुपये का एक सब बेज बनाया है जिसकी कीमत मात्र 2.5 से 3 रुपये होगी, वो बेज दिया जाता है और उनसे 200 रुपये लिए जाते हैं स्कूल प्रबंधक द्वारा, और मोटरसाइकिल वाला हो उससे 300 रुपये लिए जाते हैं। ये सब बात आज कुछ हमारे को छात्रों के माध्यम से पता पड़ी, कुछ मीडिया के माध्यम से पता पड़ी। जैसे हमें पता पड़ी हम तुरंत स्कूल पर आए, हमने देखा था सच्चाई क्या है। कुछ समय पहले कुछ बच्चों ने शिकायत करी थी, हमने इनसे फ़ोन पे चर्चा करी तो इनका जवाब ये था कि बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है इसलिए हमारी झूठी शिकायत करता है ना, और जो जिन बच्चों को हम पनिशमेंट देते हैं जो पढ़ते नहीं उनको हम पनिशमेंट देते हैं वो हमारी झूठी शिकायत करते हैं। हमने मैनेजमेंट की बात मान ली कि चलो हो सकता है ऐसा भी हो रहा होगा, मगर जब आज हम खुद स्वयं यहाँ पर चल कर आए, जब बच्चों की हमने बातें सुनी बड़े निडरता से, अभी तो यहाँ 100-200 ही बच्चे हैं, कम से कम 400 से 500 बच्चों से ये चर्चा करी, तो आज भी स्कूल मैनेजमेंट का जवाब यही था कि जितने बच्चे ये पढ़ने में कमज़ोर है तो चलो ये 100 बच्चे कमज़ोर तो 400 बच्चे वर्षन देकर गए, वहाँ पर आपके मीडिया के सामने ही वर्षन देकर गए। एक जना झूठ बोलेगा, 100 जने झूठ बोलेंगे, 400-400 लोग झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चों ने मेरे को देख के हिम्मत पकड़ी और उनकी सच्चाई बताई और फिर मैंने मैनेजमेंट को अवगत कराया। इस विषय पर मैं जिलाधीश महोदय से भी चर्चा करेंगे, संभागीय महोदय जी से भी चर्चा करेंगे, नगर निगम कमिश्नर जी से भी चर्चा करेंगे, शिक्षा विभाग को भी लेकर चर्चा करेंगे। जो अनियमितता इस स्कूल के अंदर है, कई तरह का अतिक्रमण भी अभी ले जाके दिखाया गया है, पीछे से 2 मकान का 1 मकान कर लिया गया ये भी बताया गया, ये सब अनियमितता देखी है। अब हम इस विषय पर बिल्कुल इसको गंभीर बिल्कुल 100% कार्रवाई होगी और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई करें ये भी हम अधिकारियों को बोलेंगे बिल्कुल। स्कूल के प्राचार्य हरीश टेगोरिया से जब चर्चा की गई तो उन्होंने कबूल किया कि वह बच्चों से पार्किंग के पैसे वसूल रहे हैं। इसके साथ ही जब इतनी अव्यवस्थाओं को लेकर के स्कूल को 12वीं तक की मान्यता दिए जाने को लेकर सवाल किया गया तो उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। वीडियो बनाने का तो सही नहीं, कैमरे लगे हमारे कमरों में, हर कमरों में कैमरे लगे हुए कमरों में, जो है जैसे अपन आप बात कर रहे हैं यहाँ भी कैमरा लगा हुआ है, हर जहाँ भी स्कूल में पूरी बिल्डिंग में कैमरे लगे हुए, मारने के तो सवाल ही नहीं उठता। अभी कहना कि स्केल से और लात से आपके द्वारा मारा जाता है? ना लात से मार सकता कोई, नियम से ना कोई मार सकता किसी बच्चे को भी। एक बच्चा झूठ बोलता है, दो बोलता है, 400 बच्चे बोल रहे हैं बात। नहीं, मैं आपसे जो कहना चाह रहा हूँ, एक भी बच्चा अगर कोई बच्चे को मार रहा है तो उसके माता पिता 100% नंदा नगर के मोहल्ले के, या कोई भी बच्चे का माँ बाप को अगर बच्चों को मारा जा रहा है तो वो आके विरोध जाता था या शिकायत करता है या मेरे से आके बोलता। क्या कारण मानते हैं क्या 400 से 500 बच्चे आपके स्कूल के बाहर सड़कों पर खिलाफ हो गए? क्या आपके खिलाफ हो गए तो ऐसा क्या कारण रहा है? अब उसका कारण तो इसके आज दिनांक के पहले आज तक किसी प्रकार की मेरे पास कोई शिकायत नहीं आई। पार्किंग की नहीं, इतने साल से 30 साल से स्कूल चल रहा है, आज दिनांक तक इस आज की तारीख को छोड़ के इसके पहले 30 साल के रिकॉर्ड में कोई बच्चा बता दे कि कोई पैसे ले रहा है या कोई बोल रहा है। और चूंकि मेरा खुद का, मैं जिससे आप बात कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना आपके,
कोई इनसे नहीं लिया है। अभी चूँकि इस साल साइकिल जो नज़दीक से नज़दीक बच्चा भी वो साइकिल आ रहा है, तो उसको रोक लगाने के लिए केवल जो साइकिल लगती है उसके पास एक आदमी को बैठता, क्योंकि पिछले साल 4 साइकिल चोरी चली गई, उसको रोकने के लिए। वो भी बच्चों के साथ खड़े हुए हैं, आपके साथ नहीं है वो भी? मेरा मेरी बात सुनो, मेरा मतलब जैसे क्षेत्रीय नेता है, लोगों की मदद करते हैं आदि, पर इन्होंने भी आज दिनांक तक के पहले अगर ये भी मुझे गाइड करते कि ऐसा चल रहा है तो मैं सुधार करता, इनको भी शायद आज ही मालूम पड़ा है और आज ही ये आए मेरे पास। तो कहा मुझे शर्म महसूस होती है। नहीं, आज ही आए, इसके आपके बारे में सुनने में मिल रहा है, तो आज ही आए वो, आज ही मेरे को जानकारी मिली। आपके स्कूल की परमिशन कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक आपका स्कूल? नर्सरी से लेकर 12वीं तक। आप नर्सरी से लेकर 12वीं तक के क्या नियमों का पालन हो रहा है कि 12वीं तक की जब मान्यता ली जाती है तो क्या स्कूल रहता है, क्या रहता है, आपको पता है? मैडम, शिक्षा विभाग के जो नियम है उसको कोशिश करते कि पालन किया जाए, कोशिश पे नहीं मान्यता दी जाती। वहीं क्षेत्र की पार्षद सुधा चौधरी जब मौके पर पहुंची तो उनका कहना था कि बच्चों द्वारा कई बार जानकारी दी गई लेकिन व्यस्तताओं के कारण वह स्कूल की समस्या जानने नहीं पहुंची। इस मामले पर लापरवाह बन रही पार्षद के पास कोई भी जवाब नहीं था। इसके साथ ही पार्षद ने यह भी कहा कि ऐसे तो और भी स्कूल है जिन पर कार्रवाई होना है लेकिन आज तक शिक्षा विभाग ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बच्चों के ऊपर अत्याचार तो जैसे फीस वगैरह के उस पर भी रहते ही है, परेशान हो जाते बच्चे, जैसे यहाँ से दूसरे स्कूल में शिफ्ट होते हैं तो दाखिला निकालने में भी, टीसी वगैरह निकालने में नाटक करते हैं, फीस के लिए परेशान करते बच्चों को, और ये ग्राउंड में अवैध जगह है और इसके वसूली करते बच्चों से 200 रुपये हैं। नहीं, बच्चों ने मेरे से बताया था, जानकारी दी थी, पहले जानकारी दी थी, यही थोड़े दिन पहले की बात है। तो आपने आकर बात नहीं की प्राचार्य से? आपने बात नहीं की? नहीं, मैं आने का विचार था पर मेरे क्या स्वास्थ्य वगैरह भी खराब हो गया था, बेटी की शादी थी इसलिए मैं आ नहीं पाई थी यहाँ पर। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, ऐसे तो बहुत सारे स्कूल है जहाँ प्ले ग्राउंड भी नहीं है। आपके क्षेत्र के यदि हम बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, तो नियम में ही है कि स्कूल है तो वहाँ खेलने के लिए ग्राउंड तो होना ही चाहिए, गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग होनी चाहिए। पार्षद होने के नाते क्या करेंगे? पार्षद होने के नाते, क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते आपका क्या दायित्व तो बनता है इस पूरे मामले में? देखिए, स्कूली मामले में प्ले क्षेत्र के लिए मैं तो वो नहीं कर सकती हूँ, ऊपर से इनको परमिशन मिली है तो कलेक्टर, आपको नहीं लगता जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर आपको इनसे बात करनी चाहिए इस मामले को लेकर के, जिस तरह से ये गलत तरीके से स्कूल चल रहा है ये बंद होना चाहिए, आपको नहीं लगता? अब करेंगे हम कोशिश, पूरी करूंगी मैं। वहीं चर्चा के दौरान वहां के रहवासियों का भी कहना था कि कई बार हमने इसकी शिकायत जिम्मेदारों से की लेकिन स्कूल के प्राचार्य कहते हैं कि किसी से भी शिकायत कर लो वह पैसे देकर मामला रफा दफा कर लेंगे। मेड स्कूल के बारे में हमने खूब शिकायत करी है, आज तक मीडिया में करी, मंत्रालय को करी, सब कुछ कुछ ना हुआ है ना होगा, ना मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी कुछ होगा। आपने मंत्रालय में भी, तो क्या कारण है कि नहीं होगा कुछ भी? कुछ भी नहीं होगा, किसी का हाथ है इसके ऊपर राजनीति? अब अपने हो जाना, उनका काम नहीं। किसका हाथ मानते हैं आप? अपन नहीं मानते, सरकार चला रही है, अपन तो बोलते हैं मैं पैसे देके सब करा लेता हूँ, कुछ नहीं, तुमको कुछ भी कर लो, जो करना हो कर लो, जो चाहे कर लो, बोले आप। सबको मालूम है क्या हो रहा है, सबको स्कूल आज से नहीं चल रहा है, 40 साल से स्कूल चल रहा है, सब ऐसे चलता रहा है, यही चलता रहेगा। काफी अनियमितताएं हैं, ना ही प्ले ग्राउंड है, ना कोई इनके खड़े होने, मोहल्ले वाले परेशान है, बूढ़ा बुजुर्ग तो यहाँ रह नहीं सकता। परेशानी ये है कि छोटे बच्चे भीड़ की वजह से रिक्शा, नगर सेवा, इनकी बस बाहर नहीं निकल सकते, बूढ़ा आदमी बाहर नहीं निकल सकता, बैठ नहीं सकता, बूढ़ा महिला माता भी नहीं निकल पाती यहाँ से लेकर मारुति और रिक्शा खड़ी हो जाती है। नहीं है, नियमों के अंतर्गत नहीं है, क्योंकि इन नियमों में ग्राउंड चाहिए, ग्राउंड इनके पास 5 फीट जगह नहीं है, कहेंगे सिर्फ फुटपाथ के अलावा बाकी कोई जगह नहीं है। तो जिम्मेदार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे? अब उसके जगह संरक्षण कहीं ना कहीं तो उसको प्राप्त है। किसका संरक्षण? अब किसी का भी हो, सरकार का हो, मंत्री का हो, पैसे का हो, कहीं ना है। टाइम्स टुडे इंडिया लगातार इंदौर शहर के शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के साथ हो रहे अन्याय और दुर्व्यवहार को उजागर कर रहा है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन लापरवाह हो रहे शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करता है।